हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो। आज एक मैं नया लैपटॉप नहीं लेके आया हूं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो अपलोड करी थी एचपी एनवी एफई 0027 टीयू और 0028 टीयू की। तो उसके अंदर हमारे एडिटर साहब की गलती से हम वो पार्ट जिसमें बैक पैनल ओपन करते हैं वो एड करना रह गया था। तो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, जो हमारे व्यूज देखना पसंद करते हैं लैपटॉप का बैक पैनल ओपन, तो इस वीडियो में आपको वो मिलेगा। हमने वो ऐड कर दिया है। अगर आप वो पीछे वाली वीडियो देखिए और आपने मिस करा वो पार्ट, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को हमने सिर्फ और सिर्फ जो लैपटॉप हमने लास्ट ओपन किया था उसका बैक पैनल ही ओपन करने के लिए बनाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बैक पैनल एफई 0028 टीयू का। दोस्तों चलिए लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कहां कहां कौन कौन से पार्ट्स आपके लगे हुए हैं। तो दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल हमारा, अरे ये क्या, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस लैपटॉप में हमें एक नई चीज दिखाई दी है। देखिए लैपटॉप हमने खोलते ही हमें दिखाई दिया यहाँ पे, तो ये तो फैन लगा हुआ है, लेकिन ये क्या लगा हुआ है एक्चुअली, ये क्या है? देखिए बॉडी तो सेम वही है जो राइजन 5 और राइजन 7 के साथ है। हमने लास्ट टाइम राइजन 7 ओपन किया था, आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में, उसमें यहाँ पे दो फैन लगे हुए थे। बॉडी बिल्कुल वही है, अंदर के पार्ट्स बिल्कुल वही है, उसी पोजीशन पे पार्ट्स सारे लगे हुए हैं जिस पोजीशन पे राइजन 7 वाले लैपटॉप पे लगे हुए थे एनवी के अंदर। तो यहाँ पे एक फिल थी, उन्होंने एक यहाँ पे फैन लगा रखा है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डमी फैन है ये, ठीक है, इसका कोई पर्पज नहीं है। हीट सिंक का काम जरूर कर सकता है ये। यहां पे इसका प्रोसेसर लगा हुआ है जो कनेक्टेड है फैन के साथ। यहां पे रैम है जो ऑनबोर्ड रैम है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यहां आपकी एसएसडी लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपका वाईफाई 6 5.3 ब्लूटूथ जो आपको मिलता है। ये आपकी बैटरी है, 4 सेल की बैटरी है 55 वर्क आवर्स के साथ। अप्रोक्सीमेटली जो बैटरी का बैकअप आता है वो 8 आवर्स के आसपास होता है। यहाँ आपके दो B&O के स्पीकर आपके लगे हुए हैं।